जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल मैथ्स 16 ट्रिक पर। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सिमुलतला आवासीय विद्यालय क्लास 6 के पीटी और मेंस का सिलेबस के बारे में। यहाँ पर हम लोग सभी सब्जेक्ट के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, लाइक करना है, इसके बाद आपको शेयर कर देना है। ज़्यादा ज़्यादा हो सके शेयर करिएगा फ्रेंड्स। जैसा कि आपको पता होगा, सिमुलतला आवासीय विद्यालय क्लास 6 का इसका अप्लाई करने का लास्ट डेट आपका 6 अक्टूबर तक है। तो जाइए जल्दी, जो भी क्लास 6 के बच्चे हैं वो आप जाकर इसे अप्लाई कर सकते हो। आपको ये भी पता होगा कि इसमें 60 बॉयज़ और 60 गर्ल्स का ही सिलेक्शन किया जाता है लास्ट में। और इसमें तीन तरह का एग्ज़ाम होता है, पीटी, मेंस और एक आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और उसके बाद आपका मेडिकल का भी एग्ज़ाम होता है। तो फिलहाल चलिए हम लोग सब्जेक्ट के बारे में, सिलेबस के बारे में इसका डिस्कस कर लेते हैं। तो वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा, वीडियो स्किप करके मत देखिएगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए इसकी ऑफिशियल सिलेबस क्या है। तो देखिए, यहाँ पर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, ठीक है, इसके मेन वेबसाइट से डाउनलोड किया गया है। तो जैसा कि आप जानते हो कि इसको अगर सिमुलतला आवासीय विद्यालय के छठी कक्षा में आपको नामांकन लेना है तो आपको 1 अप्रैल 2022 तक न्यूनतम 10 वर्ष और अधिकतम 12 वर्ष होना चाहिए, ठीक है। और आवेदक बिहार राज्य के मान्यता प्राप्त विद्यालय में कक्षा 5वीं में अध्ययनरत होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अब यहाँ पर आपको पढ़ना है इसके सिलेबस के बारे में। तो सिलेबस के बारे में ध्यान दीजिए, पहले हम लोग बात कर लेते हैं इसके पीटी के बारे में, ठीक है, जो प्रारंभिक है, प्रारंभिक एग्ज़ाम है। तो प्रारंभिक एग्ज़ाम यानी पीटी में क्या क्या सिलेबस रहना चाहिए, तो पेपर 1 और पेपर 2 का है। देखिए, पहले हिंदी आपका इसमें दिया है, तो हिंदी आपका है इसमें 30 नंबर का हिंदी है। विज्ञान का अगर देख ले, साइंस का, तो साइंस 25 नंबर का है। उसी तरह से सामाजिक विज्ञान का देखें तो सामाजिक विज्ञान का 25 नंबर का क्वेश्चन से इससे आता है। गणित यानी मैथ का आपका है 40 नंबर का, और अंग्रेज़ी जो है, अंग्रेजी 30 नंबर का है। यानी टोटल मिलाकर अगर देखें तो टोटल 150 नंबर का है दोनों पेपर, ठीक है। तो ये इसका प्रारंभिक प्रवेश परीक्षा का इतना हो गया। अब अगर पीटी की अगर बात कर लेते हैं, ये पीटी तो हो गया, इसके बाद मेंस की बात कर लेते हैं। तो मेंस के बारे में भी आपका ये आपका दो दो चीज़ दिया हुआ है, एक आपका पेपर 1 और पेपर 2। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपका मैथ अगर देखें तो मैथ 100 नंबर का होता है, और बौद्धिक क्षमता मतलब रीजनिंग जो होता है 50 नंबर का रीजनिंग होता है। मतलब पेपर 1 को अगर हम पूरा मिला दें तो ये 150 नंबर का ये हो जाता है। उसके बाद आपका हिंदी 40 नंबर का है, अंग्रेजी भी 40 नंबर का, विज्ञान 40 नंबर का, और SST जो सामाजिक विज्ञान जो है वो आपका 30 नंबर का। यानी पेपर 2 भी आपका 150 नंबर का, यानी टोटल 150 150 मिलकर कितना हो गया, 300। तो पेपर जो आपका मेंस जो होता है वो 300 नंबर का होता है, पीटी आपका 150 नंबर का और मेंस आपका 300 नंबर का होता है, ठीक है। अब हम इसके जो मेंस जो सिलेबस जो है, सब्जेक्ट सिलेबस क्या होता है, मैथ में क्या क्या पढ़ना है, ठीक है, इंग्लिश में क्या क्या पढ़ना है, तो सारे चीज़ को मैं आगे डिस्कस करता हूँ। तो वीडियो पर बने रहिएगा। तो फ्रेंड्स, पहले हम बात कर लेते हैं मैथमेटिक्स का। तो मैथमेटिक्स का क्या रहने वाला है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर आपको दिखाया गया नेचुरल नंबर है, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए नेचुरल नंबर का पोर्शन से। उसके बाद LCM है, CF है, फिर आपका एकक नियम मतलब यूनिटरी मेथड, ठीक है, मैं आगे आपको दिखा रहा हूँ। आगे आप देख सकते हो 4 नंबर फ्रैक्शंस यानी भिन्न के बारे में पढ़ना है। उसके बाद आपका अनुपात एंड प्रोपोर्शन मतलब रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, अनुपात के बारे में, अनुपात और समानुपात। फिर आपका प्रॉफिट एंड लॉस है, सिंप्लीफिकेशन, एवरेज, परसेंटेज, एरिया एंड पेरीमीटर के बारे में, सिंपल इंटरेस्ट से क्वेश्चन है। उसके बाद लाइंस एंड एंगल्स, टेम्परेचर, और इधर देख लीजिए इस साइड में आपका क्या है, कन्वर्सन ऑफ यूनिट्स, रोमन न्यूमरल्स, टाइप्स ऑफ एंगल्स, सर्कल से क्वेश्चन है। उसके बाद वॉल्यूम एंड क्यूबाइड से भी क्वेश्चन है, प्राइम एंड कंपोजिट नंबर, प्लेन फिगर, डेसिमल नंबर, स्पीड एंड टाइम, ऑपरेशंस ऑन नंबर। उसके बाद आपका कंप्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल, ये आपका ज्योमेट्री का ही पोर्शन है, अरेंजिंग ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है। तो ये टोटल 25 चैप्टर इसमें पढ़ना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, मैं आगे आपको दिखाता हूँ। देखिए, ये आपका इंग्लिश का पोर्शन है। तो इंग्लिश के पोर्शन में आप साफ साफ देख रहे हैं, एक पैसेज भी रहता है इसमें, कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज, फिर आपका प्रीपोजिशन, आर्टिकल्स, वोकेबुलरी। वोकेबुलरी में आपका इसमें आपका एंटोसाइनो भी मिला हुआ रहता है,
उसके बाद वर्ब है, वर्ब के टाइप से कंफ्यूजिंग वर्ड है, क्वेश्चन टैग, उसके बाद आप देख सकते हो टाइप्स ऑफ सेंटेंस, फिर टेंस से भी क्वेश्चन है, काइंड्स ऑफ नाउंस, काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस, करेक्ट स्पेलिंग है, ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स इन सेंटेंस, आपको सेंटेंस को आपको इसमें सरियाने के लिए कहेगा, ऑर्डरिंग करने के लिए कहेगा। और इधर आप देख सकते हो सेंटेंस फॉर्मेशन, एंटोनिम, साइनोनिम, सिनोनिम्स है, एडजेक्टिव्स है, इंटरजेक्शन है, इडियम्स एंड फ्रेजेस है, और कलेक्टिव नाउन्स है, नाउन से भी क्वेश्चंस है, और नंबर है, जेंडर है, उसके बाद एडवर्ब्स है, राइमिंग वर्ड्स है, और लास्ट में आपका सिंगुलर और प्लुरल है। तो आई होप फ्रेंड्स ये चीज़ें आपको दिख रही होगी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे हिंदी का पोर्शन है। तो देखिए हिंदी के पोर्शंस में कुछ टाइप करने में मिस्टेक है, तो मैं आपको बताता हूँ क्या क्या है इसे। देखिए आप सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, हिंदी के पोर्शंस में गद्यांश आपको पूछेगा, ठीक है। और एक चीज़ और समझ लीजिए, अगर आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा होगा तो आप जानते होंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो 8 भेद होता है, तो इसमें 8ों भेदों से क्वेश्चन होता है। मतलब आपका संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, प्रीपोजिशन है, कंजक्शन है, इंटरजेक्शन है, ये जितना भी 8 पोर्शन है ये 8ों पोर्शन से क्वेश्चन होता है। और खासकर आपका प्रीपोजिशन तक ज़्यादा होता है, ठीक है। तो आप नाउन से लेकर प्रीपोजिशन तक क्लियर कर लोगे, ठीक है। तो ये इसमें लिखा हुआ मैं ऑलरेडी इसमें बता चुका हूँ, ठीक है। अगर आप आगे देखो तो एक चीज़ और ख्याल रखिएगा, जितना भी आपका मुहावरे, और मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, विलोम शब्द, इसके अलावा विलोम शब्द आपका है, ठीक है, पर्यायवाची शब्द भी पूछता है, ठीक है, मुहावरे, ठीक है, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ का भी पोर्शन इससे पूछा जाता है। और एक चीज़ और याद रखिएगा, इसमें संधि और समास भी पूछा जाता है, ठीक है, एक संधि और समास से भी क्वेश्चन होता है, संधि और समास, ठीक है। तो इसे आप कंप्लीट कर लीजिएगा। इसके अलावा कोई 4 ऑप्शन दिया रहेगा, और अशुद्ध शब्द आपको ढूंढने के लिए कहेगा, या शुद्ध शब्द भी आपको ढूंढने के लिए कह सकता है, तो वो भी इसमें होता है। इसके अलावा श्रुति संविनार्थक शब्द भी होता है, 2 शब्द लिखा हुआ रहेगा, उसका मतलब पूछेगा कि इन दोनों का मतलब क्या है, ठीक है। तो वहाँ से भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, ठीक है। आप यहाँ पर काल भी पढ़ लीजिएगा, टेंस के बारे में काल से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और उसके बाद गद्यांश वगैरह, पैसेज वगैरह इसमें होता है। तो इसमें बस इतना ही है, इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। और इसके अलावा एक 2 चैप्टर और है, वाक विचार, शब्द विचार, ये पढ़कर जाइएगा, वाक विचार और शब्द विचार, ठीक है। तो यही आपका हिंदी के पोर्शंस इतना है। तो अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक प्रत्यय भी जोड़ लीजिएगा, उपसर्ग और प्रत्यय का भी पोर्शन से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे आपका देखिए दोनों पोर्शंस मिला हुआ, जनरल नॉलेज का, ठीक है, साइंस और SST दोनों मिला हुआ है। तो आप देख सकते हो ये इंग्लिश में थोड़ा सा लिखा हुआ है, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइंटिफिक डिवाइस, मतलब आविष्कार और आविष्कार और आविष्कारक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। आप देख सकते हो चैप्टर का नाम, आप देख सकते हो इसमें बहुत सारे चैप्टर हैं फ्रेंड्स, इसी कारण से मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, आपको दिखा देता हूँ, आप स्क्रीन शॉट ले सकते हो, ठीक है। तो एक बार देख लीजिए, आप स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा, ठीक है। ये 5 नंबर, 6 नंबर देख लीजिए, स्पोर्ट्स एंड गेम्स से भी क्वेश्चंस होता है, ठीक है, देख लीजिए यहाँ पर 8 नंबर, 9 नंबर, इसमें दोनों चैप्टर आपका मिला हुआ है, दोनों सब्जेक्ट का मिक्स है। अब इस साइड में आइए, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, स्क्रीनशॉट लेकर आप अपने एग्ज़ाम का फिर आगे तैयारी बढ़ाइए। कंसेप्ट ऑफ माउंटेन्स एंड टेरेरियन एंड लाइफ स्टाइल, ये साइंस है, हिस्टोरिकल मोनूमेंट से भी क्वेश्चन होता है, शेप ऑफ अर्थ एंड ग्रेविटेशन है, रिन्यूएबल एनर्जी है, ठीक है। तो ये लास्ट ही आपका सब्जेक्ट है, लास्ट है। तो टोटल इसमें अगर देखें तो 28 चैप्टर है, ठीक है, तो आप ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है। तो आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। बगल में बेल आइकन का निशान होगा तो उसे भी आप प्रेस कर दीजिएगा, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जितने भी जूनियर कंपटीशन के एग्जाम होते हैं, नवोदय, सिमुलतला, ठीक है, वो सारे उनका नोटिफिकेशन हमारे चैनल पर उपलब्ध करा दिया जाता है। तो आप बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।